आपके सामने लेके आई हूँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तब आपसे बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के बारे में, तो उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मैं आज की वीडियो में वो लेके आई हूँ आपके लिए। तो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग? देखो, आप इंटरव्यू देने जाते हो, सबसे पहले आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है क्या है, आप क्यों ये जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है वो करियर चूज कर रहे हो, ठीक है? इसका मतलब क्या है, आपको पता भी है कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में होता क्या है? तो आपको इसका आंसर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में क्या होता है, ठीक है? सो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज डिफाइंड एज एन एक्टिविटी टू चेक whether the actual results match the expected result to ensure that the software system is defect free. तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है, ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जहाँ पर चेक किया जाता है कि जो हमारा एक्चुअल रिजल्ट है, जो हमारा रिजल्ट आ रहा है, वो मैच कर रहा है जो हमने सोचा था उस रिजल्ट से या नहीं। देखो, हमने सोचा कि हमने हमारा जो काम है वो 100% हो जाए, ठीक है, बट वो हुआ 80% है, तो हमने मैच करना है कि जो हमने सोचा था और जो हुआ है उसमें क्या, उसमें सब इक्वल है या नहीं है, ठीक है, उसको चेक करते हैं, तो उसको हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग बोलते हैं। मतलब ये एक एक्टिविटी है जिसमें हम चेक करते हैं कि हमारा एक्चुअल रिजल्ट कितना मैच कर रहा है हमारे एक्सपेक्टेड रिजल्ट से, ठीक है, ताकि हमारा जो सॉफ्टवेयर सिस्टम है वो डिफेक्ट फ्री हो सके, उसमें कोई डिफेक्ट ना हो सके। आप इसको बोल सकते हो अ प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग अ सॉफ्टवेयर आइटम टू डिटेक्ट द डिफरेंस बिटवीन एग्जिस्टिंग एंड रिक्वायर्ड कंडीशंस, कि जो डिफरेंस होता है एग्जिस्टिंग, जो एग्जिस्ट कर रहा है, और जो हमने सोचा था उन कंडीशंस में जो डिफरेंस है, ठीक है, दैट इज द सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। और जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है वो हमें हेल्प करता है टू आइडेंटिफाई एरर्स, कि हमारे एरर्स कितने हैं हमारे सिस्टम में, गैप कितना है, मिसिंग रिक्वायरमेंट्स कितनी है, हमारे जो एक्चुअल से मिसिंग रिक्वायरमेंट कितनी है, कितना काम नहीं हुआ है। एंड हम इसको मैनुअली भी कर सकते हैं, ऑटोमेटेड टूल्स से भी कर सकते हैं। अब मैनुअली ऑटोमेटेड मैं आपको बाद में समझाऊंगी, बट ये आपका एक नॉर्मल आंसर है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का, ओके? सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डू वी टेस्ट अ सॉफ्टवेयर? अब हम एक सॉफ्टवेयर को टेस्ट क्यों करते हैं? तो हम एक सॉफ्टवेयर को टेस्ट क्यों कर रहे हैं? अभी जैसे हमने पहले करा कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होता है, तो हमने उसमें बात करा कि हमें डिफेक्ट फ्री मिलेगा प्रोडक्ट उसके बाद, एंड उसमें अगर कोई डिफेक्ट है तो हमें पता लग जाता है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करते हुए। तो यही रीजंस है कि हम एक सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हैं, ठीक है। सो टेस्टिंग इज नेसेसरी इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई एनी डिफेक्ट दैट आर प्रेजेंट इन सॉफ्टवेयर विच कैन कॉज हार्म। तो टेस्टिंग इसलिए ज़रूरी है ताकि वो आइडेंटिफाई कर सके कि हमारे सिस्टम में कौन से डिफेक्ट्स हैं कि वो हमारे सिस्टम को, हमारे सॉफ्टवेयर को हार्म कर सकते हैं, ठीक है। सो विदाउट प्रॉपर टेस्टिंग वी कुड पोटेंशली रिलीज अ सॉफ्टवेयर विच कुड माल फंक्शन एंड कॉज सीरियस इंजरीज। तो क्या होता है कि अगर हमने अपना जो सॉफ्टवेयर है अपना, उसको टेस्ट करे बिना रिलीज़ कर दिया है, तो उसमें क्या होता है कि अगर कोई प्रॉब्लम आ गई है, कोई डिफेक्ट है, तो उससे कई बार क्या होता है कि ज़्यादा इंजरीज हो सकती हैं। लाइक अभी तो हम इसे सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं, लाइक नॉर्मल भी कितने हमारे होते हैं, हमारे सॉफ्टवेयर्स वगैरह होते हैं, या फिर हमारे हार्डवेयर में कोई चीज़ें हैं, तो अगर हम उसको टेस्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा कि उसकी वजह से काफ़ी सीरियस इंजरीज हो जाती हैं, ठीक है। फ़ोन्स वगैरह का टेस्ट होता है, उसके सारे सिस्टम को टेस्ट करते हैं, सॉफ्टवेयर जो उसमें डाला उसको टेस्ट करते हैं कि टेस्ट हमने नहीं करा है, एंड बाद में उसमें कोई वायरस है, वायरस की वजह से वो क्या हो गया, ब्लास्ट हो जाते हैं। तो वो काफ़ी ऐसे रीजंस होते हैं, काफ़ी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो अगर हम उसको टेस्ट ना करें तो। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के कुछ इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कुछ उसके कुछ बेसिक रीजंस हैं। पहला रीज़न है जैसे कि हमें डिफेक्ट फ्री मिलता है, ठीक है। हमें देखो, एक चीज़ आपको याद रखनी है ये कि कभी भी कोई सॉफ्टवेयर 100% डिफेक्ट फ्री नहीं होता, ठीक है। बट अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि मोस्टली कि जो हमारा सॉफ्टवेयर है टेस्ट कर रहे हैं हम उसको, तो उससे हमें डिफेक्ट फ्री प्रोडक्ट मिलेगा, तो उसका मतलब है आपको 80% डिफेक्ट फ्री मिलेगा। बट ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि वो प्रॉपर 100% डिफेक्ट फ्री होगा। सो ये आपने पॉइंट याद रखना है। आपसे इंटरव्यू में ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि आफ्टर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या आपका जो सॉफ्टवेयर या प्रोडक्ट है वो 100% डिफेक्ट फ्री हो जाता है, तो आपका उसका आंसर देना है कि नो, वो 100% कभी भी डिफेक्ट फ्री नहीं होता, ओके? सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जैसे कस्टमर की जो
जैसे कस्टमर है, ठीक है, जिसने प्रोडक्ट बनाया है या फिर जिसने सॉफ्टवेयर बनवा रहा है, जो उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जब हम टेस्ट करते हैं उस टाइम पे हम सेकंड चेक करते हैं कि रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं कस्टमर की या नहीं हो रही हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट, हम क्वालिटी चेक करते हैं कि क्वालिटी बिल्कुल सही है या नहीं है। फोर्थ पॉइंट, हम उसको टेस्ट करते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, अगर हम इसको सॉफ्टवेयर को ओपन कर रहे हैं, इसकी स्पीड कैसी है, इसमें कैसे लोड कैसे ले रहा है, स्ट्रेस कैसे है, इसका स्ट्रेस लेवल क्या है, और बाकी सब चीज़ें हम चेक करते हैं। फिफ्थ, हम चेक करते हैं फेलियर कि अगर हम इसको यूज़ कर रहे हैं तो इसमें कोई फेलियर के चांसेस तो नहीं है, ठीक है, एंड इसमें कोई मतलब अगर जैसे कोई ऐसे चला रहा है इतने टाइम से तो उसमें कोई इशू तो नहीं आ जाएगा, और बाकी सब चीज़ें चेक करेंगे इसमें। सिक्स्थ है कि अगर देखो हम टेस्ट कर रहे हैं अगर सॉफ्टवेयर को, तो अगर हमने ये सभी चीज़ें देखी कि डिफेक्ट फ्री है, कस्टमर की नीड्स फुलफ़िल हो रही हैं या नहीं, क्वालिटी अच्छी है या नहीं, परफॉर्मेंस अच्छी दे रहा है या नहीं, फेलियर्स तो नहीं होंगे जल्दी से, तो उसके बाद क्या होगा कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो ऑलमोस्ट बिल्कुल वैसा होगा जैसा हमारा कस्टमर चाहता था, और बहुत ही कम डिफेक्ट्स के साथ होगा, कि नामात्र कुछ डिफेक्ट्स हैं वो मैटर नहीं करते होंगे कस्टमर्स को, ठीक है। तो क्या होगा उससे, क्या होगा वो आपका कस्टमर सेटिस्फाइड होगा, ठीक है, आपको कहेगा कि हाँ आपने बहुत अच्छा प्रोडक्ट दिया है, हमें सॉफ्टवेयर बना के दिया है, आपकी आपको और आपकी जो जो आपकी रैंकिंग होगी, जो आपकी आपको पब्लिसिटी देगा बेसिकली वो, ठीक है, आपकी बाहर जाकर आप जब कोई उससे पूछेगा कि आपने सॉफ्टवेयर कहाँ से बनवाया है तो आपको रिकमेंड करेगा, तो उस हिसाब से क्या हुआ कि आपका बिजनेस काफ़ी टाइम तक रन करेगा, ठीक है। अगर आप किसी को अच्छी क्वालिटी देते हो, अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करते हो, अच्छा उसको सब देते हो, तो उससे क्या होगा कि आपका जो बिजनेस है वो काफ़ी टाइम तक रन करेगा, ठीक है। तो इस वजह से हमें एक जो सॉफ्टवेयर है उसको टेस्ट करना चाहिए। ये बेसिक सी बातें हैं, ठीक है, बातें वही होती रहेंगी डिफेक्ट डिफेक्ट वाली कि कैसे करना है या करना है, बस थोड़ा सा इसको घुमा फिरा के हमने आंसर देने हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई एन इंडिपेंडेंट टीम और टेस्टर इज रिक्वायर्ड टू टेस्ट अ सॉफ्टवेयर। अब इससे एक क्वेश्चन और बनता है, वो क्वेश्चन है कि इंडिपेंडेंट टीम या फिर टेस्टर या फिर डेवलपर, मतलब इंडिपेंडेंट टीम और टेस्टर तो एक ही मान लो आप, टेस्टर या फिर डेवलपर, दोनों में से कौन सही है एक सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो उस केस में आपका जो आंसर है वो होगा कि हमेशा एक टेस्टर ही सही है कि अगर हम टेस्ट कर रहे हैं सॉफ्टवेयर को। अब इसका रीज़न क्या है, डेवलपर क्यों नहीं है सही? देखो डेवलपर ने काम करा है, डेवलपर ने अपना प्रोडक्ट बनाया है, जब एक डेवलपर एक काम करता है वो अपने अकॉर्डिंग करता है, अपनी थॉट्स के अकॉर्डिंग करता है, नो डाउट वो कस्टमर को देखता है। अब कस्टमर ने बोला है कि मुझे एक थी एजुकेशन थीम चाहिए फॉर एग्जांपल, एंड डेवलपर क्या करेगा, अपनी मनपसंद एजुकेशन थीम को बना देगा, राइट। बट जो कस्टमर है उसने ये भी बोला हुआ है कि एजुकेशन थीम में परफॉर्मेंस ऐसी होनी चाहिए, इसका परफॉर्मेंस ऐसी होनी चाहिए, नॉन फंक्शनैलिटी जो है उसने बताई हुई है कि परफॉर्मेंस ऐसी हो और उसमें ऐसे ऐसे सब चीज़ें शो हो, ठीक है। बट जो डेवलपर होगा वो सिर्फ ये देखेगा कि उसने एजुकेशनल थीम मांगी हुई है और मुझे जो सही लग रहा है वो एजुकेशनल थीम मैं उसको प्रोवाइड कर देता हूँ। बट जो बाकी चीज़ें हैं वो नहीं देखेगा, वो अपने थॉट्स के अकॉर्डिंग बना देगा पूरा प्रोजेक्ट। पर जो टेस्टर होगा वो क्या करेगा, वो ये नहीं देखेगा कि उसने सॉफ्टवेयर डेवलपर ने क्या बनाया है, वो देखेगा कि यूज़र की रिक्वायरमेंट्स क्या थी और डेवलपर ने क्या बनाया है। अब इन दोनों को मैच करेगा कि क्या चीज़ नहीं करी है डेवलपर ने, कस्टमर को क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि डेवलपर ने ये चीज़ नहीं करी है, तो वो डिफेक्ट्स जो है वो एक टेस्टर बताएगा, राइट। थर्ड आई व्यू बन जाएगा कि एक बंदे ने काम करा है, एक बंदे ने दिया था, जो थर्ड बंदा होगा वो डिसाइड कर पाएगा कि हाँ क्या काम पूरा हुआ है, क्या काम पूरा नहीं हुआ है, या कैसे करना चाहिए था, कैसे नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर है कि हमेशा एक टेस्टर, इंडिपेंडेंट टेस्टर जो है वो बेटर है एक डेवलपर से, जब हमने सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना है। ओके, सो बैक टू द क्वेश्चन, वाई एन इंडिपेंडेंट टीम और टेस्टर इज रिक्वायर्ड टू टेस्ट अ सॉफ्टवेयर। अब क्यों, अभी मैंने आंसर आपको बता दिया है इसका कि क्यों रिक्वायर्ड है, ठीक है। अभी मैंने इससे पहले तो सिर्फ आपको बताया था कि टेस्टर रिक्वायर्ड होता है, तो इसमें टेस्टर क्यों रिक्वायर्ड है वही रीजन्स यहाँ पे बताए हुए हैं, ठीक है। तो डिफेक्ट न्यूट्रल प्रस्पेक्टिव से देखेगा वो, यहाँ पे आप डिफेक्ट की जगह पे फंक्शनैलिटी कर दो,
यहाँ पे मैं थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, द टेस्टर सीज ईच फंक्शनैलिटी, हर एक फंक्शनैलिटी को एक न्यूट्रल परस्पेक्टिव से देखेगा, क्योंकि अगर डिफेक्ट बोलोगे तो आप डिफेक्ट को तो वो डिफेक्ट की तरह ही देखेगा, राइट? तो यहाँ पे फंक्शनैलिटी आएगा, आप फंक्शनैलिटी कर सकते हो, द टेस्टर सी ईच फंक्शनैलिटी इन अ न्यूट्रल परस्पेक्टिव। जो टेस्टर होगा वो टोटली अनबायस्ड होगा, कि वो ये नहीं बोलेगा कि मैंने डेवलपर की साइड लेनी है, कस्टमर की लेनी है, वो दोनों की लेगा, जो सही है वो उसकी साइड लेगा, ठीक है? वो किसी एक बंदे की साइड नहीं लेगा। उसके बाद जो टेस्टर है, व्हाट हैज बीन बिल्ट रादर देन व्हाट डेवलपर थॉट, वो ये सोचेगा कि क्या बनना चाहिए था, ये नहीं सोचेगा कि ये डेवलपर ने क्या सोच के बनाया है, ठीक है? तो वो अनबायस्ड होगा, एंड वो कभी भी क्वालिटी को नहीं करेगा कि क्वालिटी कम रहे, वो हमेशा क्वालिटी को प्रेफरेंस देगा। तो इन वजह से कि जो टीम टीम टेस्टर है, जो इंडिपेंडेंट टेस्टर है, वो बेटर है, ठीक है, कि वो एक टेस्ट करे सॉफ्टवेयर को। ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द सॉफ्टवेयर क्वालिटी एट्रीब्यूट्स? सॉफ्टवेयर क्वालिटी एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर की क्वालिटी के एट्रीब्यूट्स। ओके, ये क्वेश्चन ध्यान में रखने हैं हमने, कि सॉफ्टवेयर की क्वालिटी के एट्रीब्यूट्स पूछ रहा है, कि सॉफ्टवेयर में क्या क्या एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, क्वालिटी के अंदर कौन से एट्रीब्यूट्स आते हैं। अब देखो, क्वालिटी जो है वो डिपेंड करती है, अगर एक डेवलपर बना रहा है वो बनाएगा वैसी क्वालिटी कि जो कस्टमर को पसंद आए। कस्टमर की क्वालिटी का मतलब होगा कि कस्टमर जब उसको चलाए तो उसको यूजर फ्रेंडली लगे, उसको समझ में आए कि हाँ ये सॉफ्टवेयर ऐसे चलना है, ऐसे सेव होगा, ऐसे एडिट होगा, ठीक है? तो वो डिपेंड करता है हमारे पर्सन टू पर्सन। उसके बाद कुछ एक्टिविटीज होती है, लाइक रिलायबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है? रिलायबिलिटी का मतलब कैसे है कि जैसे हम कोई भी सॉफ्टवेयर चला रहे हैं, कोई प्रोडक्ट है, वो काफ़ी टाइम तक किसी कुछ खराब हुए वो चलता रहे, ठीक है? मेंटेनेबिलिटी, उसकी मेंटेनेंस अच्छी होनी चाहिए, एंड जैसे कि हम कुछ अपडेट करते हैं, कुछ वर्जन्स को अपडेट कर रहे हैं, तो वो इजी टू मेंटेन हो, कि हमें ये नहीं है कि बहुत मुश्किल हो रही है कि न्यू फीचर्स ऐड करने में, न्यू टेक्नोलॉजी ऐड करने में, तो वो मेंटेनेंस उसकी अच्छी हो। यूजेबिलिटी, यूजर फ्रेंडली हो। अब यूजेबिलिटी से आपने याद रखना है, यूजेबिलिटी से, कि यूजर फ्रेंडली चाहिए, कि अगर हमारा यूजर बना रहा है, कस्टमर उसको यूज कर रहा है, तो वो इजी टू लर्न हो, समझ आए उसको कि अब क्या करना है इसके बाद। करेक्टनेस हो, उसमें जो भी चीज़ें बताई हुई हैं, जो भी फंक्शनैलिटी है वो सही होनी चाहिए। अगर हमने सेव पे क्लिक करा है, सेव होना चाहिए, ठीक है, उसकी फंक्शनैलिटी सही से काम करती हो, उसमें जो हमने स्टेप्स बताए हुए हैं वो अच्छे से स्टेप्स जो हैं वो समझ में आ रहे हों, बिल्कुल सही स्टेप्स हों। एफिशिएंट होना चाहिए, जो हम उसे काम करवा रहे हैं वो एफिशिएंटली वो काम करे। इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी, उसकी सिक्योरिटी अच्छी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि हमने उस पर कोई डाटा डाला, अपना पर्सनल कोई डाटा डाला, एंड वो बाद में लॉस हो गया, ठीक है, या फिर वो इंफॉर्मेशन लीक हो रही है, ठीक है, और वायरस इन्फेक्शन है कुछ, हमारा वायरस आ रहा है बार बार, तो ऐसी प्राइवेसी जो है वो सिक्योर होना चाहिए इसकी सिस्टम, हमारा सॉफ्टवेयर, ठीक है। उसके बाद टेस्टेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, कि जो हमारा मतलब जो हमारा सॉफ्टवेयर है, शुड बी इजी टू टेस्ट एंड फाइंड डिफेक्ट्स, ऐसा नहीं है कि हम टेस्ट करी जा रहे हैं, डिफेक्ट्स मिल ही नहीं रहे हैं। फ्लेक्सिबल होना चाहिए, कि अगर वो आराम से इनफ टू मॉडिफाई हो, कि हमारा अगर कोई बंदा यूज़ कर रहा है तो वो इजीली मॉडिफाई हो जाए। रीयूजिबिलिटी हो, अब रीयूजिबिलिटी कस्टमर की तरफ से नहीं है, ये हमारे टेस्टर की तरफ से है। अगर कोई टेस्टर उसको दोबारा से मॉडिफाई करना चाहता है, तो रीयूजिबल हो, कि जो कोड है पहले किया हुआ है तो वो दोबारा से कर सके उसको, कि उसको टाइम सेव हो उसका, ठीक है, यूज़ कर सके। अवेलेबिलिटी है, कि अवेलेबल लाइक टास्क हमने जो परफॉर्म करने हैं वो आराम से उसमें परफॉर्म हो जाए। इंटरऑपरेबिलिटी है, इंटरऑपरेबल मतलब कि जैसे हम अलग अलग सॉफ्टवेयर में, अलग अलग सिस्टम्स में यूज़ कर रहे हैं डाटा, जो डाटा है वो ट्रांसफ़र करते हैं, एक्सचेंज करते हैं इंफॉर्मेशन अलग अलग इंटरफेसिस में, तो वो आराम से हो जाए, ऐसा नहीं है कि वो हमारा डाटा एक्सचेंज नहीं हो रहा है, या फिर वो कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद है परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस ऑफकोर्स अच्छी होनी चाहिए, कि हमें कोई मैसेजेस आ रहे हैं, कोई हम रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं, और हमारी स्पीड कैसी है, ये सब अच्छे से आराम से काम होना चाहिए। फंक्शनैलिटी तो पता ही है आपको, कि फंक्शनैलिटी जो जो उसमें बटन्स दे रखे हैं वो अच्छे से काम करें, सब अच्छे से क्लिक हो, एंड सारे फंक्शनैलिटी अच्छे से काम कर रही हो। तो ये थी कुछ क्वालिटीज़ ऑफ सॉफ्टवेयर, ठीक है?
जो हाँ आपको पता होनी चाहिए एट्रीब्यूट्स की, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एट्रीब्यूट्स क्या क्या होते हैं। आपको अगर फर्स्ट आपका फ्रेशर इंटरव्यू है उस टाइम पे आपको ऐसा नहीं है वो सभी एट्रीब्यूट्स के बारे में पूछते हैं, बट आपको 3-4 एट्रीब्यूट्स अच्छे से पता होने चाहिए। और अगर उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है, ओरल इंटरव्यू हो रहा है, तब आपको ज़्यादा के बारे में आप डिस्क्राइब कर सकते हो, तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। उसके बाद है व्हेन टू स्टॉप टेस्टिंग। अब ये क्वेश्चन भी नॉर्मली पूछते हैं कि आपने टेस्टिंग तो स्टार्ट कर दी है, बट आप स्टॉप कब करते हो टेस्टिंग को। तो बेसिकली ये जो मैंने आपको लिखा हुआ दैट इज सिनारियोज हैं टेस्टिंग 1 टेस्टिंग 2, बट आपको मैं एक सिंपल सा बताने वाली हूँ। आप यहाँ देख सकते हो, स्टार्ट करते हैं हम टेस्टिंग को, एग्जीक्यूट करते हैं सिनारियोज को, उसके बाद डिफेक्ट मिलता है हमें, ठीक है। उसके बाद अगर नहीं मिला तो डिफेक्ट, ऑल डिफेक्ट फाउंड हो गया, नो। तो अगर डिफेक्ट फाउंड यस है तो रिस्टार्ट रीसेट ऑफ डिफेक्ट करेंगे, फिर रिग्रेशन टेस्टिंग होगी। ये थोड़ा बड़े लेवल का काम है, ये मैं आपको बता दूंगी। अगर सारे डिफेक्ट फाउंड कर दिए हैं तो स्टॉप एग्जीक्यूशन, बट अगर नहीं होता तो कई बार क्या होता है तो ये बार बार वही चीज़ें होती रहेंगी, ठीक है। अब आपको जैसे मैंने बीच में एक क्वेश्चन बताया था, स्टॉप व्हेन ऑल डिफेक्ट्स आर फाउंड, ठीक है, कि अगर पहले क्वेश्चन में सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में मैंने आपको बताया था कि जब अगर ऐसा पॉसिबल है क्या कि हमें सारे के सारे डिफेक्ट्स मिल गए हैं तो हम स्टॉप कर दें टेस्टिंग को। अगर आपका ये क्वेश्चन है, अगर आपका ये आंसर है कि हमें तब सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जो है वो स्टॉप कर देनी चाहिए जब हमें सारे के सारे डिफेक्ट्स मिल जाएं, तो आपको लगता है कि ये पॉसिबल है कि आपको 100% डिफेक्ट्स मिल जाएं। ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है। सारे के सारे जो डिफेक्ट्स हैं वो नहीं मिलते हैं। नो वन कैन एक्चुअली गारंटी दैट द सॉफ्टवेयर इज डिफेक्ट फ्री नाउ, तो ऐसा नहीं पॉसिबल। तो डिसीजन क्या लें कि कब हमने स्टॉप करनी है। बेसिकली दे आर 3 थिंग्स, टाइम, बजट एंड क्वालिटी। अगर टाइम हमारा, बजट हमारा, क्वालिटी हमारा बैलेंस में है, जब हमारा बैलेंस में है तब हम बोल सकते हैं कि हाँ अभी ये बिल्कुल सही है, स्टॉप कर सकते हैं हम। क्योंकि देखो, अगर आपके पास टाइम है 1 मंथ, बजट है 1 लाख, क्वालिटी हमने जो रिक्वायरमेंट्स दे रखी हैं वो है हमारे पास, अगर हमारा 1 साल मतलब 1 मंथ कंप्लीट होने को है, बजट भी हमारा कंप्लीट होने को है, क्वालिटी अभी कंप्लीट नहीं होने को है, तब भी हमें रोकना ही पड़ेगा क्योंकि हमने अपना टाइम और बजट एक्स्ट्रा नहीं करना है, ठीक है। जितनी क्वालिटीज हम ठीक कर सकते हैं उतनी करेंगे, ठीक है। और मतलब बेसिकली क्या है कि ये हमने ट्राइंगल जो है उसको बैलेंस करके रखना है कि ना तो टाइम ज़्यादा हो, ना बजट ज़्यादा हो, ना क्वालिटी कम हो। तो ये तीनों चीज़ों को बैलेंस में एक बीच में रखना है कि ये जो हमारा किसी भी तरफ से ना ज्यादा ना हो, एक ट्रायंगल है जैसे, एक ट्रायंगल का सेंटर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एट्रीब्यूट्स नीड फॉर सॉफ्टवेयर टेस्टर। तो एक सॉफ्टवेयर टेस्टर को क्या क्या एट्रीब्यूट्स की जरूरत होती है। अब देखो, सॉफ्टवेयर टेस्टर ऐसा नहीं है कि उसको बहुत सी लैंग्वेजेस आनी चाहिए, बहुत सी कोडिंग आनी चाहिए, डिजाइनिंग आनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। पर सॉफ्टवेयर टेस्टर के भी कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जो उसको फुलफिल करने पड़ते हैं। अब फॉर एग्जांपल, उसको पता होना चाहिए कि उसने अपने काम को कैसे प्रायोरिटाइज करना है, ठीक है। मतलब जैसे एक काम है कि उसको 10 काम दिए गए हैं, 10 डिफेक्ट फाइंड करने हैं, तो सबसे पहले वो कौन से डिफेक्ट को फाइंड करेगा, जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफेक्ट है। कि अगर आपका कोई पेज है, लॉगिन पेज है, उसके बाद आपने डिफेक्ट्स फाइंड करने हैं, तो लॉगिन पेज पे ही अगर लॉगिन नहीं हो रहा है, तो सबसे पहला हमारा वही काम है कि हमें सबसे पहले वही डिफेक्ट को ठीक करना है। तो हमारा जो हम जैसे काम को लेवल में कर देंगे, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, तो वो चीज़ है जो एक टेस्टर को आनी चाहिए कि कैसे उसने काम को डिवाइड करना है, ठीक है। सेकेंड है यू आस्क क्वेश्चंस। अब एक जो टेस्टर है वो क्वेश्चंस पूछे अगर डेवलपर से कि रिक्वायरमेंट्स को समझे कि कैसे उसने इसको करा है, क्या सोच के करा है उसने, तो उससे क्या होगा कि उसको पता लगेगा कि ये जो सॉफ्टवेयर है ये क्या है, उसको समझ पाएगा इजीली, तो उसको डिफेक्ट्स निकालने में भी आसानी होगी। तो उसको बार बार क्वेश्चंस पूछने आने चाहिए कि कैसे उसने इन्फॉर्मेशन जो है एक डेवलपर से निकलवानी है उस सॉफ्टवेयर के बारे में, कि उसने क्या क्या सोच के इस सॉफ्टवेयर को तैयार किया है। उसके बाद है बी स्पेक्टिकल। देखो, अगर कभी भी बिलीव मत करो कि डेवलपर ने जो प्रोडक्ट है वो बग फ्री बनाया है या उसकी क्वालिटी बिल्कुल सही है। हमेशा खुद से अपना टेस्ट करो, उस पूरे सॉफ्टवेयर को दोबारा दोबारा टेस्ट करो। इससे क्या होगा कि जब आप खुद टेस्ट करोगे तब आपको उसमें कुछ डिफेक्ट्स या कुछ पता लगेंगे एरर्स के बारे में, चाहे डेवलपर कहता रहे कि हाँ मैंने बिल्कुल सही बनाया है, स्टिल वो सही नहीं होगा, उसमें कोई ना कोई डिफेक्ट या बग ज़रूर होगा।
तो आपको खुद अपना देखना है कि आपने टेस्ट करना है प्रॉपर। डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी। आपकी क्वालिटी जो है सॉफ्टवेयर टेस्ट जब आप बन गए हो, तब आपने क्वालिटी में देखना है कि क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो, क्वालिटी बिल्कुल 110% सही हो, ठीक है। उसके बाद है इंश्योर एंड यूजर सेटिस्फेक्शन, कि जब आपका कस्टमर है उसकी सेटिस्फेक्शन में ही आपने रहना है कि हाँ जो वो चाहता था वैसा ही प्रोडक्ट हमने बना के देना है, वैसे ही हमने टेस्ट करना है, कि अगर कोई डिफेक्ट है या अगर कोई ऐसी चीज़ है जो कस्टमर ने नहीं मांगी थी, तो वो हमने एज अ डिफेक्ट निकाल के हमने डेवलपर को सेंड करनी है। थिंक फ्रॉम द यूज़र परस्पेक्टिव। अब आपने देखो टेस्टर क्या करेगा, वो एज अ यूज़र परस्पेक्टिव से देखेगा कि डेवलपर ने मुझे ये चीज़ बना के दी है, मैंने यूज़र रिक्वायरमेंट ही में ये चीज़ें बना के दी थी, और मैंने अब देखना है कि कौन सी चीज़ मैच नहीं कर रही है, ठीक है। क्योंकि देखो जब जब आप कस्टमर को दे देते हो चीज़, तब अगर कस्टमर कोई डिफेक्ट निकाले, बोले कि ये चीज़ मैंने ऐसे मांगी नहीं थी तो आपने कैसे कर दी, तो वो चीज़ से हमारी इमेज पे फ़र्क पड़ता है। बट अगर वो चीज़ जो हमारा टेस्टर है वो डिटेक्ट कर ले, वो पता कर ले, तो कस्टमर तक जाने से पहले वो डिफेक्ट भी हम सॉल्व कर सकते हैं, तो उससे इमेज जो है हमारी सही रहती है। तो इस वजह से हमें एक यूज़र पर्सपेक्टिव की तरफ से भी सोचना पड़ता है। नेवर प्रॉमिस 100% कवरेज। अभी आपको मैंने लास्ट में बताया था कि कभी भी 100% जो कभी भी हमारा जो डिफेक्ट हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो डिफेक्ट फ्री नहीं होता है, तो कभी भी आप 100% प्रॉमिस मत करो, कभी भी प्रॉमिस मत करो कि 100% सही होगा और हमारा जो इतनी जल्दी हम कर देंगे, ओवर डिलीवर नहीं होना चाहिए। तो मतलब हमने क्वालिटी जो है हमेशा करना कि हमें क्वालिटी देंगे, हम फोकस करेंगे क्वालिटी के ऊपर, हम पर कभी नहीं बोलेंगे कि हमने 100% जो है उसको डिफेक्ट फ्री आपको बना के देना है। सो नेक्स्ट है बी ओपन टू सजेशंस। अगर आप कोई चीज़ टेस्ट कर रहे हो तो आपको ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आपको आइडिया नहीं आता है कई बार, तब आप आपके आसपास जो लोग हैं आप उनसे सजेशंस ले सकते हो, उनसे फीडबैक ले सकते हो, तो आपको काफ़ी ऐसी चीज़ों को पता लगता है जो आपने कभी सोची भी नहीं होती है। सो बी ओपन टू सजेशंस। डू मार्केट रिसर्च। ये बेसिकली इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपने जो अपना आपने सिर्फ टेस्ट करना है अपना सॉफ्टवेयर, ना कि आपने उसमें कोई चेंजेस करने हैं, उसको डेवलप करना है। पर स्टिल आप अगर रिसर्च करते हो तो आपको पता होता है कि मार्केट में क्या क्या चल रहा है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या चल रही हैं, यूज़र्स को क्या क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए होती हैं, तो उससे आपका जो इम्पोर्टेंट रहता है उससे आपको कुछ नॉलेज गेन होती है। आप जब डेवलपर के साथ डिस्कस कर रहे हो तो तब आप उसमें सजेशंस दे पाते हो। तो डू मार्केट रिसर्च। फोकस ऑन नेगेटिव साइड एज वेल। देखो टेस्टर्स क्या करते हैं, उन्होंने ब्रेक करना होता है एटीट्यूड डेवलपर्स का, कि डेवलपर्स कहते हैं हाँ हमने प्रोडक्ट जो है बिल्कुल 110% हमारा डिफेक्ट फ्री है, बट हमें नेगेटिव साइड भी देखना है कि हाँ अगर ये ना हुआ तो क्या होगा, ठीक है। तो हमने पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव साइड पे भी देखना है, कि क्योंकि देखो जब हमने सॉफ्टवेयर बना दिया है, ठीक है, जो हैकर होगा वो क्या करता है, वो हमारे सिस्टम को हैक करेगा, राइट। तो वो अपना 100% वो ये तो नहीं बोलेगा कि देखते हैं हैक हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, उसने ये सोचना है कि हमने हैक करना है तो करना है सिस्टम को, कैसे भी करके करना है, राइट। तो हमने टेस्टर्स ने खुद हैकर बनना है अब सॉफ्टवेयर का, और उसके लूप होल्स को फाइंड करना है कि हाँ ये लूप होल है, तो इसको हमने बाद में फिर टेस्टर डेवलपर को बताएगा कि अगर कोई हैकर हैक करेगा तो वैसे ऐसे लूप होल को हैक कर पाएगा, तो ये एक इसका डिफेक्ट है, ठीक है। तो नेगेटिव साइड पे भी फोकस करना है। लर्न टू नेगोशिएट। अब अगर आप कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है, आपको नहीं समझ आ रहा डेवलपर का कि काम कैसे है, ये गलत है, ये ऐसा नहीं है, ठीक नहीं है, पर डेवलपर मान नहीं रहा है, ठीक है, अपनी गलती नहीं मान रहा, तो ऐसे केसेस में आपको स्किल्स आपकी होनी चाहिए कि आप कन्विंस कर सको डेवलपर को कि हाँ ये डिफेक्ट है और इसको ऐसे सोल्व करो, ऐसे नहीं चलेगा ये। क्योंकि अगर आप डिफेक्ट कोई सजेशन दे रहे हो और कई बार क्या होता है डेवलपर आपका नहीं सुनता है, ठीक है, तो उस केस में अगर आप नेगोशिएट नहीं करोगे, उसको कन्विंस नहीं करोगे, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। आपको कन्विंस करना आना चाहिए कि ऐसा कोई डिफेक्ट है तो आप इसको ऐसे सोल्व कर सकते हो, ओके। सो उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फाइनली बी अ गुड ऑब्जर्वर। सी जब आप एक कोई प्रोजेक्ट देखते हो, कोई आप कोड देखते हो, उसके कितने सारे स्नारियोज होते हैं, ठीक है, तब आपको एक बी अ गुड ऑब्जर्वर, आपको ऑब्जर्वर अच्छा बनना है, कि उसके बारे में आपने हर एक एंगल से सोचना है, कैसे डेवलप हुआ, कैसे टेस्ट होगा, क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स होंगे, क्या उसका सब कुछ अच्छे से सोचना है, ताकि आप जब अच्छे से समझ पाओगे तभी आप उस पर अच्छे से वर्क कर पाओगे, टेस्टिंग की एक्टिविटीज़ कर पाओगे। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो हमारा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
डिफरेंस बिटवीन क्यू ए एंड क्यू एस सॉरी यहाँ पे गलत लिखा हुआ है ए सी दैट इज क्यू सी डिफरेंस बिटवीन क्यू ए एंड क्यू सी सो वट इज क्यू ए क्यू ए इज क्वालिटी अश्योरेंस एंड क्यू सी इज क्वालिटी कंट्रोल सो वट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन दिस बोथ देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आपको अच्छे से समझना है इसको स्टार्ट करते हैं क्यू ए से क्यू ए क्या होता है ये प्रिवेंट करता है कि हम अश्योर करता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्वालिटी अच्छी हो उसकी और डिफेक्ट फ्री बने और प्रिवेंट करता है कि कोई भी इसमें डिफेक्ट ना आए ठीक है इट इज़ अ प्रोसीजर दैट फोकसेस ऑन प्रोवाइडिंग अश्योरेंस दैट क्वालिटी रिक्वेस्टेड विल बी अचीव्ड कि जो हमने क्वालिटी रिक्वेस्ट करी है वो हमें मिलेगी और क्वालिटी कंट्रोल फोकस करता है ऑन फुलफिलिंग द क्वालिटी रिक्वेस्टेड कि ये क्वालिटी को जो क्वालिटी हमने मांगी थी वो फुलफिल करेगा कि उसमें कोई डिफेक्ट नहीं होगा ठीक है थोड़ा थोड़ा सेम है बट क्यू ए इज़ लाइक जो प्रिवेंट करता है एंड क्यू सी इज़ लाइक जो आइडेंटिफाई करता है और फिक्स करता है ठीक है तो ये आपने थोड़ा डिफरेंस याद रखना है सो क्यू ए जो है मैथड टू मैनेज क्वालिटी है वेरीफिकेशन अब वेरीफिकेशन नेक्स्ट आपको मैं क्वेश्चन बताने वाली हूँ यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्राइब करती हूँ वेरीफिकेशन मतलब कि जब आप क्यू ए क्यू में मैथड जो है मैनेज करने का वेरीफिकेशन है वेरीफिकेशन में आप क्या करते हो जब आप एक प्रोसेस करते हो कोई भी एक अपने रिक्वायरमेंट कर रहा है उसके बाद वेरीफाई करोगे कि हाँ रिक्वायरमेंट सही है सारी जो जो यूज़र ने बोली थी वही वही सब कुछ है उसके बाद डिज़ाइन करते हो डिज़ाइन करने के बाद वेरीफाई करते हो वेरीफिकेशन करते हो कि रिव्यू करते हो इंस्पेक्शन करते हो ठीक है और वॉक थ्रू करते हो कि जो हमने जो कस्टमर ने मांगा था वैसा ही है कोई डिफेक्ट तो नहीं आया पहले प्रोसेस में ठीक है तो वेरीफाई करते रहते हो साथ साथ में और वहाँ पे क्यूसी में आप क्वालिटी वेरीफाई करते हो वैलिडेशन से आप टेस्टिंग करके अलग अलग टेस्टिंग मेथड यूज़ करके वेरीफाई करते हो कि आपका जब पूरा सिस्टम बन जाता है कोई सॉफ्टवेयर पूरा बन जाता है तब आप वेरीफाई करते हो छोटे छोटे मॉड्यूल्स की यूनिट टेस्टिंग करते हो इंटीग्रेशन टेस्टिंग करते हो थोड़े थोड़े मॉड्यूल्स ज्वाइन करके सिस्टम टेस्टिंग करते हो पूरे सिस्टम की टेस्टिंग करते हो या फिर यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग करते हो जब एक यूज़र को दे देते हो कि आप इसको चला के देखो ये बिल्कुल सही बना है या नहीं बना है तो आप क्यू सी में वो टेस्टिंग अप्लाई करते हो बट क्यू ए में आप नॉर्मल करोगे कि प्रिवेंट करोगे और वेरिफिकेशन के मेथड से आप इसे करोगे कि रिव्यू देखोगे इसको किसी को दोगे कि आप देखो इसमें क्या क्या रिव्यूज़ बताओ उसके इंस्पेक्शन करते हैं ठीक है सो इट डज़ नॉट इन्वॉल्व एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम अब वेरीफिकेशन में प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होता है इसमें कोई कोडिंग एग्जीक्यूट नहीं हो रही है बट क्यू सी में एग्जीक्यूट करते हैं ठीक है एक एक चीज़ को एग्जीक्यूट करते हैं यूनिट टेस्टिंग इंटीग्रेशन टेस्टिंग सिस्टम टेस्टिंग यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग तो क्यू ए प्रिवेंटिव टेक्निक है ये हमारा करेक्टिव टेक्निक है क्यू ए प्रोएक्टिव मेजर है कि स्टार्टिंग में ही प्रोएक्टिव हम करते हैं सारा मेजर और क्यू सी रीएक्टिव मेजर है कि जब हमारा पूरा बन जाएगा दोबारा से हम उसे टेस्ट करेंगे उसके बाद जैसे क्यू ए इन्वॉल्व्स इन फुल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल कि ये पूरा कर क्यू ए में टेस्टर्स भी आते हैं डेवलपर्स भी आते हैं हमारा पूरा फुल डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होगा इसमें पर क्यू सी में हमेशा सिर्फ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल इन्वॉल्व होता है कि ये सिर्फ टेस्टर्स कर रहे हैं हम टेस्टर्स करेंगे ये मेन डिफरेंसेज है हमारे तो इनको याद रखना है कुछ और डिफरेंस भी मैंने यहाँ पे दे रखे हैं बट हमारे जो मेन डिफरेंस है मैंने आपको बता दिए हैं ये हमारे मेन 7 डिफरेंसेस हैं अगर आप इससे ज़्यादा पढ़ना चाहते हो तो यहाँ पे मैंने और डिफरेंसेस दे रखे हैं आप एक बार इनको चेक कर सकते हो उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन वैलिडेशन एंड वेरीफिकेशन वैलिडेशन क्या होता है मैंने आपको अभी बताया वेरीफिकेशन भी मैंने अभी बताया तो वेरीफिकेशन में हम वेरीफाई करते हैं हर एक डॉक्यूमेंट को चेक करते हैं डिज़ाइन को कोड को और वैलिडेशन में हम डायनेमिक मैकेनिज्म करते हैं जिसमें हम टेस्टिंग करते हैं एक्चुअल प्रोडक्ट की ठीक है वेरिफिकेशन में हम कोई भी कोड एग्जीक्यूट नहीं करते हैं बट वैलिडेशन में हम टेस्ट जो कोड है उसको एग्जीक्यूट करते हैं वेरिफिकेशन में कुछ मेथड्स होते हैं लाइक रिव्यू करते हैं वॉक थ्रू करते हैं इंस्पेक्शन करते हैं डैक्स चेकिंग होती है बट यहाँ पे वैलिडेशन में सीधा मेथड्स टेस्टिंग के मेथड अप्लाई होते हैं जो ब्लैक बॉक्स में होते हैं या फिर वाइट बॉक्स में होते हैं या फिर नॉन फंक्शनल टेस्टिंग होती है वो अभी मैंने बताए थे आपको यूनिट टेस्टिंग इंटीग्रेशन टेस्टिंग मल्टी सिस्टम टेस्टिंग एंड लास्ट इज यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग तो वो हमारे आगे वैलिडेशन में
ठीक है, और भी बहुत होते हैं यूनिट टेस्टिंग में, जैसे ब्लैक बॉक्स में आ गए हमारे तीन, तो व्हाइट बॉक्स में हमारा यूनिट आ जाता है, ठीक है। नॉन फंक्शनल टेस्टिंग भी होती है हमारी, परफॉर्मेंस वगैरह की, परफॉर्मेंस देखते हैं, स्ट्रेस लेवल देखते हैं, लोड देखते हैं, वॉल्यूम देखते हैं, तो वो सभी इसमें आ जाते हैं। इनके ऊपर भी अलग से क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, तो वो मैं आपको आगे आगे बताती रहूँगी। हमारा पहला पार्ट जो है ये, इसमें मैंने सिर्फ आपको बेसिक क्वेश्चंस बताए हैं, ठीक है। उसके बाद है वेदर द सॉफ्टवेयर कन्फर्म टू स्पेसिफाइड, इस चेक की कन्फर्म है, इट चेक्स वेदर द सॉफ्टवेयर मीट्स द रिक्वायरमेंट्स, जो मतलब प्रॉपर चेक करता है कि हाँ ये मीट कर रहा है रिक्वायरमेंट या नहीं, ठीक है। इट फाइंड बग अर्ली इन द डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, अब एक प्रोसेस चेक हुआ तो उसके बाद कोई बग है तो पहले ही भी डिटेक्ट कर लेता है, बट वैलिडेशन में वो एंड में डिटेक्ट करता है। इट कैन फाइंड बग दैट आर वेरिफिकेशन प्रोसेस कैन नॉट कैच, तो यहाँ पर अगर कोई नहीं हुआ है, और जब हमारा पूरा प्रोडक्ट बन गया वेरिफिकेशन में, जब अगर हमारा पूरा प्रोडक्ट बन गया है और कुछ वेरीफाई नहीं हुआ, और बाद में हम वैलिडेशन टेस्टिंग जब करते हैं, वैलिडेशन जब करेंगे तब अगर कुछ रह गया वेरिफिकेशन में, तब वहाँ पे हम कैच कर लेते हैं। सो वेरिफिकेशन में टारगेट जो है वो हमारा कंप्लीट, टारगेट इज एप्लीकेशन एंड सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर स्पेसिफिकेशन कंप्लीट डिज़ाइन हाई लेवल डेटाबेस डिज़ाइन, सारे पे हमारा टारगेट रहेगा। पर वैलिडेशन में हमारा टारगेट सिर्फ एक्चुअल प्रोडक्ट पे है, जब एंड में प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। वेरिफिकेशन में क्यूए टीम डज वेरिफिकेशन, क्यूए टीम वेरिफिकेशन करेगी एंड मेक श्योर करेगी सॉफ्टवेयर जो है वो बिल्कुल SRS डॉक्यूमेंट की तरह बने। SRS डॉक्यूमेंट मतलब जो हमारा मेन डॉक्यूमेंट है जिसमें हमने यूजर के रिक्वायरमेंट्स रखी हुई हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्यूए टीम जो है, मतलब जिसमें डेवलपर से डेवलपर डेवलप कर रहा है, तो स्टार्टिंग से ध्यान रखेगा कि मैंने कोई डिफेक्ट ना किया हो। और वैलिडेशन में विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ टेस्टिंग टीम वैलिडेशन इज एग्जीक्यूटेड ऑन सॉफ्टवेयर कोड। तो ये था हमारा बेसिक क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको एग्जांपल दे देती हूँ एक इसकी, कि वेरिफिकेशन वैलिडेशन क्या होता है, ठीक है। मान लो आपने एक स्क्रीन पे कोई बटन है आपका लॉगिन का, या फिर सबमिट बटन है, आपने कोई फॉर्म कंप्लीट करा है, तो उस टाइम पे क्या होगा कि अगर सबमिट बटन के स्पेलिंग रॉन्ग है, लाइक SUBMET लिखा हुआ है, तो वो चीज़ जो है वो वेरिफिकेशन में चेक होगी, वेरिफिकेशन चेक करेगी कि डॉक्यूमेंट का डिज़ाइन ठीक है या नहीं, उसकी स्पेलिंग ठीक है नहीं, कोई मिस्टेक तो नहीं है, ठीक है। तो वो चीज़ क्या चेक करेगा, वेरिफिकेशन में चेक होगी। बट उसकी फंक्शनैलिटी चल रही है या नहीं, जो हमारा सबमिट बटन को क्लिक करते हैं तो वो क्लिक हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो हमारा वैलिडेशन में चेक होता है, वो वैलिडेशन टेस्टिंग में चेक होगा। तो वेरिफिकेशन टेस्टिंग में सिर्फ जब वो बना रहे होंगे तो वो देखेंगे आउटर जो हमें दिख रहा है जो चीज़, वो ठीक बन रही है नहीं बन रही है, और बाद में जब वो काम कैसे कर रही है नहीं कर रही है, वो दो हमने पेजेस बनाए हैं दो, वो काम कर रहे हैं आपस में या नहीं कर रहे हैं, वो वैलिडेशन में चेक होगा। तो ये थे बेसिक कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। एंड इसके बारे में आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए हैं। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक क्वेश्चन थे जो एक इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, जब आपको इंटरव्यू देते हो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का। एंड हो सकता है कि इससे भी इजी क्वेश्चन पूछें आपसे, ऐसा नहीं है कि आपको कोई इतने मुश्किल क्वेश्चन पूछेंगे, बट स्टिल आपको ये क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस, और मैं आपको जल्दी मिलूंगी न्यू एपिसोड में कुछ न्यू क्वेश्चंस के साथ या कुछ न्यू टर्म्स के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय बाय।